नमस्कार प्रणाम आदरणीय श्रोता, अभी रुवा सुनत बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुत था। विशाल यादव रउरा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ रुवा सुन रहल बानी। विभिन्न जनप्रतिनिधि जिलों के दोबारा मौका मिलल बाटे, बहुत जनप्रतिनिधि जिलों के नया मौका मिलल बाटे। आम जनता मूल्यांकन करके निर्वाचित कैले बानी, कहाँ कैसन काम भइल बाटे, विभिन्न काम के देखते हुए शिक्षा स्वास्थ्य कृषि कितना प्रगति भइल और केकरा से कितना प्रगति हुई कहके आम जनता ध्यान केंद्रित करके अब की बार अपन अमूल्य वोट दे के निर्वाचित कैले बानी। अब की बार का एजेंडा रहल बाटे, स्थानीय तह के मेयर साहब जी को लगे, स्थानीय तह के जितना भी जनप्रतिनिधि जीतल बानी लोग, इन लोग के पास का योजना रहल बाटे आम जनता जाने के चाहत बानी। जे दोबारा जीतल बानी, जनता वहाँ के काम से बढ़िया तरीका से देख रहा बानी, दोबारा जनता मौका दिले बानी, वो में पूछे वाला बात कहीं शंका के बात नहीं। जहाँ जनता जेकरा के दोबारा मौका नहीं दिले, बढ़िया तरीका से काम नहीं कैले, जनता के पक्ष में काम नहीं कैले, जनता दोबारा मौका नहीं दिले। जे जनता के पक्ष में, जे जनता के हक हित में काम कैले बानी, जनता दोबारा मौका दिले बानी। आदरणीय श्रोता, समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ, और आज हमने के साथ में बानी महागढ़ी माई नगर पालिका बारा जिला के मेयर उपेंद्र यादव जी। सबसे पहले कार्यक्रम आमने सामने में वहाँ के स्वागत करके जान, स्वागत बटे सर कार्यक्रम आमने सामने में अपने के। धन्यवाद धन्यवाद। का हो रहा बटे मेयर साहब? अभी 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 तो काम के सिलसिला में काठमांडू। जनता अब की बार हुआ दूसर का बेरी निर्वाचित कैले बाटे, बीतल समय में हुआ वहाँ एगो अपन जौन कार्य अभी संभलले बानी, तौन कार्य बीतल समय में हुआ संभलले रहने। बीतल समय के जौन 5 साल के कार्यकाल बीतनी, वो कैसन बीतल? अब कति भाई के स्थानीय तो नेपाल की एगो नया सिकाई जी, 3 तरह के सरकार में जी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, कि नया सिखाई के प्रदेश में हमने क्या 2074 साल में विजय बनी सब, और नया सिखाई के क्रम में जनता के माज में रह के और जनता से जोन हमने के एगो जोन पालिका बा उ तो एगो बहुत ही वो समझी ना कि पिछड़ल ठाव, बड़ी माई के एगो मंदिर वेला के चलते ही एगो प्रख्यात ठाव वेला के चलते ही वो मतलब चिन्हल जाला। मगर वो सब जितना भी गावी सर है पुराना, 10.5 गावी सर मिलके वो सिंगो नगर पालिका बना रहे, वो सब बहुत पिछड़ल जगह जैसे जुलगावा, बेतावना, लक्ष्मणवा, अपने के बलुआ, बनियार, मुजरी, कवई लगात के गांव सब बहुत पिछड़ल गांव सब रहे, जो मतलब गांव में मतलब आवे जाए के भी बरसात के भी बेला में आवे जाए के मतलब कोनो किस्म के सवारी साधन ना जाए आ सके, जहाँ तक ऐसा रहे कि हमने के टोला में हमरे द्वार पर जी, बाइक ना जा सके बरसात के मौसम में जी, तो हमने के तो बहुत बड़का चैलेंजिंग विषय रहे। हमने के शुरुआत में भौतिक पूर्वाधार सब टाटो घाटो के हमने के निर्माण कैनी सब जितना सकने बस जोर देनी सब हमने क्या कि कम से कम बाटो घाटो के जो समस्या बा, आदमी की इमरजेंसी पड़ला के बाद में एम्बुलेंस भी गाँव में ना समय वाला अवस्था बा, एकरा के हमने क्या पहले सर्वप्रथम पहले बाटो घाटो के अपनी नगर पालिका से पूरे हर एक वार्ड के जोड़ दिया, 11 वार्ड के महागढ़ी में नगर पालिका के जोन नगर पालिका बा, जोन बरियारपुर गाँव बा, ओकरा से जोड़ दिया, हाईवे से जोड़ दिया, उस सब काम कैनी से हमने क्या ओकरा के जोड़नी सब पीछे ना भेल, कम से कम ग्रेवल करके और ओकरा के हमने के कम से कम वो टाइप के बाटो घाटो हमने के निर्माण करे में सफल बनी सब, और साथे साथे किसान के हमने के नगर पालिका लगभग 90% से ज्यादा लोग किसानी प्रति आभार एती बा, मतलब वही पर एती बा निर्भर वालो किसान से खेती पाती पर निर्भर वालो, तो हमने के जितना भी पुलो सब रहे जो मतलब बीसन बरी से एकदम जीर्ण हो गए रहे उस सब के हमने के संचालन में ले ली सब, जहाँ जहाँ पुलो ना जाए वाला अवस्था रहे वहाँ हमने का विद्युतीकरण कैली सब हमने का वहाँ तक लेना, हमने के बीव बीजन से लेके उन्नत जात के बीव बीजन के हमने का पूरे एकदम 75% सब्सिडी में वितरण कर ली सब, मकई पैकेज लेनी सब, मकई की खेती हमने के महागढ़ी में नगर पालिका में बहुत ज्यादा होकेला, मकई हमने के मकई पैकेजे हमने का शुरुआत करनी सब, मकई के भी बीव हमने के 75% अनुदान में पहले मतलब हमने के 1 नंबर बीव जो होकेला नेपाल के वो 1 नंबर बीव हमने का मकई के हमने के बीव हमने के पूरे किसान के हमने के
अनुदान 75% अनुदान में अथी कैनी लगभग इन्हें आके हमनी का अब किसान के जितना किसान लोग बा जोन खेती पाती कर रहा बा मोटर चला के उ मोटर के हमनी के जितना भी विद्युत उठी मौसूल उठी उ संपूर्ण महागणी में नगर पालिका के नगरवासी के किसान लोग ला हमनी के पूरे फ्री कर चुकल बड़ी। अभी के अवस्था में शिक्षा में भी हमनी क्या अब कहेला लोग तो बहुत कुछ कहेला लोग शिक्षा में कुछ ना कहलक लोग स्वास्थ्य में कुछ ना कहलक लोग तो हमनी के शिक्षा में पूरे विद्यार्थी के अनुपात में विद्यार्थी अनुपात में और मावी विद्यालय के विषयगत शिक्षक के अनुपात में हमने क्या दरबंदी भी मिलान कहनी अपराधी में एमए पास कर मास्टर डिग्री कर लो अपराधी तो हमें काम करत रहे लोग काहे कि वो लोग नियुक्ति रहे अपराधी तो हमारे चाहना कथी भेल कि ना अपराधी के नियुक्ति बा इनकर मगर इनकर जो गुण बा इनका के तमाबी में ले जाए के पड़ो तो वैसे शिक्षा के हम शुरुआत कहनी मुदा भी हमने के जल्दी सब मगर तपर भी हमने के अपन काम रहे जो करते नहीं सब अपर भी जितना सुधरे के चाहिए शिक्षा उतना सुधरल नहीं के माने आए वाला दिन में हम प्रतिबद्धता कहले बड़ी की शिक्षा के 12 जिला में नमूना बनाए कहल के हम प्रतिबद्धता कहले बड़ी बहुत सुधार कहले बड़ी सर बहुत मास्टर लोग तो पहले अपने के 10 बजे हाजिर बना ले 11 बजे निकल जाए तो कलिया भेटाई कहो बिरगज भेटाई तो कम से कम तो उतना तो सुधार कर दे बनी बहुत टीचर लोग उपेंद्र सर बीतल समय सराहनीय काम करनी का कहनी जनता के साथ है जनता फिर मूल्यांकन कर चुकल बाटे दूसरका बेरी जब रुआ मौका मिलल बाटे तो दूसरका बेरी जब रुआ अपन उम्मीदवारी दर्ता करनी दूसरका बेरी जब चुनाव लड़नी का एजेंडा बाकी रहे दूसरका बेरी रुआ चुनाव लड़नी दूसरका में हमनी का एक दू गो हमार जोन लक्ष्य रहे जोन अधूरा रह गए जोन राजनीतिक खिंचा टोल से और तीन गो सरकार स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघीय सरकार उ तीन गो सरकार तीन रंगिया सरकार हो गए हमारा पाली अब नेपाली कांग्रेस के स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार मधेसी परम मधेसी दल लोग के केंद्र सरकार एमाले सरकार जब अंत अंत में हमनी का आईनी तब कांग्रेस के सरकार भेल तो अंत अंत में सब लोग के आई स्थानीय मतलब ये निर्वाचन के लेके सब लोग अपन तैयारी में रह गए विकास हो ना सकल जितना चली उतना विकास ना हो सकल मगर हमार आए वाला एजेंडा जनता में कहनी एक दू गो जोन हमार अधूरा काम बा जैसे गढ़ी में के पर्यटन के हब बना देवे के जी हाँ ओकरा के हम पर्यटन के हब बना दे गढ़ी में मंदिर के जोन खिंचाता निबा राजनीति खिंचाता निबा ओकरा के अंत करम और ओकरा के निष्पक्ष हिसाब से हमनी का वहाँ राजनीति पर्यटन के हब बनाए और हमार पहलका एजेंडा एगो ऊ है दूसरका की हमने क्या भौतिक संरचना तो बनते रही कोरोना महामारी में लगभग 2-3 बरी से बहुत ही लोग अपन कारोबार अपन बिजनेस अपन मतलब बहुत ही मतलब घाटा में जाके लोग व्यापार भी चले लग बहुत लोग रोड पर आ गए बा लोग बहुत लोग मैंने मतलब कोनो कारोबार नहीं के जॉब छोड़ छोड़ के विदेश में काम छोड़ छोड़ के गाँव में आके बैठल बा बेरोजगारी समस्या बा तो बेरोजगारी समस्या के लेके हमने क्या एगो मापदंड बनाए और मापदंड के अंतर्गत हमने क्या रखले बने चाहिए प्रत्येक ये घर एक रोजगार देवे के महागढ़ी में नगर पालिका धारणा में गेल बा एक घर एक रोजगार और सफा सुथर नगर पालिका बनावे के और सुशासन के अनुभूति दिलावे के दूसर का पर्यटन के हब बनावे के ओकर संदर्भ में हमार पहलका ही बजट में अपने संबंध देखम नीति कार्यक्रम में हमार पहलका नीति कार्यक्रम एक घर एक एक रोजगार दूसर का महागढ़ीमय नगर पालिका के गढ़ीमय मंदिर के पास मतलब नमूना एकदम नमूना फन पार्क जो नेपाल में ना होके वैसन फन पार्क हमने के बनावे के लक्ष्य बा जेकरा खातिर 4 बीघा जगह हमने के नगर पालिका के तरफ से हमने के बजटिंग छुट्टी हम से 4 बीघा जमीन खरीद ला काहे कि गढ़ीमय मंदिर के पास जमीन नहीं के जमीन जोन भी बा अब वो में कोनो किस्म के संरचना भौतिक संरचना बनावल जाए तो बड़का इतना बड़ा विशाल मेला के मतलब भगजन ला बहुत कठिनाई हुई है चलते वो जमीन में अब रंगा व्यवस्थापन से लेके और लाइनिंग व्यवस्थापन खाली लाइनिंग भगजन सबके लाइनिंग व्यवस्थापन ला वो जगह ना पर्याप्त ना होकेला ये लेके हमने के जगह अपना से फिर हम अपना अवधि भर में हम लोग बगल आई 3 बीघा जगह खरीद कैले बनी जो नमूना विद्यालय ला मतलब 1.5 बीघा जमीन हमने के खरीद कैले बनी नगर पालिका भवन ला 17 कट्ठा जमीन हमने के खरीद के नगर पालिका भवन भी बन रहा बा निर्माण के काम तेजी गति से अभी पड़ रहा बा नमूना विद्यालय के भी बन रहा बा तो वही टाइप के 4 बीघा जमीन कीन के
हमनी के नमूना फन पार्क हमनी के बनाएम कह के नेपाल में वैसा ना होके वैसा फन पार्क बनाए। उपेंद्र सर अपने लगन के गढ़ी माई जो नगर महानगर पालिका महागढ़ी माई नगर पालिका जो रोलन के बाटे और रोलन के पालिका में जो एगो गढ़ी माई के मंदिर एगो बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर बाटे वहाँ बहुत ज्यादा पांच वर्षीय मेला लगे लेकिन बहुत बड़का मेला लगे सबसे बेसी बलि वहाँ चढ़ेला और वहाँ गढ़ी माई के मंदिर से भी भगवान से भी राजनीतिक वहाँ शुरू बाटे मंदिर पर उ मंदिर के कौना तरीका से आगे बढ़ावल कौना तरीका से व्यवस्था स्थित बनावल कहके ऐसा बात ना देखते हुए ऊपर राजनीतिक बीतल समय से ही बाटे ओकरा के कैसे सुधार करम रुआ। देखिए अब सब लोग मठ मंदिर ये हमनी के नया बात नहीं है, हमनी के आज के ना पूर्वज से लोग मठ और मंदिर और स्कूल में राजनीति कहके आयल बा, आदत खराब बा धीरे धीरे छूटी समझल गे जी। ये आदत हमनी के मधेसी के आदत जैसे पहाड़ में पहाड़ के समुदाय में जाए स्कूल प्रति कोनो राजनीतिक नहीं के मठ मंदिर प्रति कोनो राजनीतिक नहीं सर, लेकिन रुआ मतलब धार्मिक ठाव पर कोनो किस्म के राजनीतिक नहीं के। हम एक ही को बात कहेंगे हम अपने स्थानीय सरकार बनी तो स्थानीय सरकार में अपने के काम करे के अधिकार कितना जी। अपने के अधिकार कितना मठ मंदिर और स्कूल केकरा अधीन में बात तो ये माने के पड़ल पहले जैसे गढ़ी माई के मेला में भी पहले वाला भी इतना विवाद भेल तो उन लोग माने के तैयार ना नेपाल सरकार के जो तीन तरह के सरकार बनल ओकर अधिकार जो क्षेत्र बा ओकरे के ना माने के मतलब उ लोग ऐसी कहलक लोग राजनीतिक द्वंद फैलक लोग हमनी के तरफ से कोनो किस्म को हम एक ही को बात कह रही पहले भी आज भी कहम कि जेकर कार्य क्षेत्र बा जेकर कानूनी अधिकार बनता ओकरा के काम करे देवे के चाहिए जेकर राइट्स बा। अब हमरा के पांच साल मतलब वहाँ के जनता नगर प्रमुख में चुनलक फिर पांच साल चुनलक उ कायला चुनलक की अपन काम कर हम काम करे के सिलसिला में फिर विरोधी लोग जे हमरा से प्रतिद्वंदी दू दू बेर चुनाव हारल लोग पहले भी वे लोग हारल आज भी वे लोग हमरा से हारल तो उन लोग के बुझाए के पड़ल की जनता इन लोग इनका के माइंडेट दे बा इनका के काम करे देवे के पड़ल। अब वो में राजनीतिक मठ मंदिर स्कूल के बाहर आके उन लोग के भी राजनीति करे के पड़ल मठ मंदिर राजनीतिक उपेंद्र सर राजनीतिक होते हुए भी शिक्षा में प्रक्रिया और कैसे ध्यान रहे जी जी एक बार आओ कथी कहने राजनीतिक होते हुए भी अब की बार शिक्षा में और कैसे ध्यान रहे। अभी राजनीतिक होते हुए भी हम शिक्षा के एकदम समझी ना कि जैसे हम कहने मठ मंदिर में शिक्षा से परे अथी राजनीतिक से हम परे हट के काम करम ओकरा के हमनी के ऐसा किस्म से कार्यविधि बनाएम कि वो मठ मंदिर में कार्यविधि एक तो कानून लाएम कि कानून के तहत वो मठ मंदिर हमनी के नगर पालिका भर के मठ मंदिर एक वो कानून से चलो कह के वैसा किस्म के प्राविधिक हमनी के कार्यविधि लाएम वैसा किस्म के कानून पास करम और उ कानून के अंतर्गत वडा अध्यक्ष के ओमे रोल का रही जनप्रतिनिधि लोग के का रोल रही सदस्य लोग के का रोल रही स्थानीय वासी के का रोल रही वहाँ के अभिभावक लोग के का रोल रही उ सब कार्यविधि कानून में एकदम सब लोग के अधिकार और सुनिश्चित ओमे करल जाए जैसे विद्यालय व्यवस्थापन समिति के कितना अधिकार जी। शिक्षक लोग के कितना अधिकार शिक्षक लोग के आचार संहिता में शिक्षक लोग रहता कि नहीं विद्यालय व्यवस्थापन समिति के आचार संहिता शिक्षक लोग के आचार संहिता विद्यार्थी के आचार संहिता पहले विद्यार्थी बनी पहले हम खुद अपने बुझ लेवे के पड़ हम गार्जियन बनी हम अभिभावक बनी खुद हम अपने बुझ ले पर हमार काम कर्तव्य अधिकार हम शिक्षक बनी तो हमार काम कर्तव्य अधिकार ई पहले बुझल एकदम जरूरी बा ओकरा बाद में ही शिक्षा मतलब गुणस्तर बढ़ी तो ये सब बढ़ावे ला सब लोग के आचार संहिता और ठाव ठाव में शिक्षक लोग के गुणस्तर के कैसे आगाड़ी बढ़ी ओकर मतलब हमनी के तालीम के व्यवस्था और मतलब विद्यार्थी आचार संहिता में कैसे रही ओकर भी हमनी का जन चेतना के कार्यक्रम लगाए विद्यालय सब में सब जगह हमनी के अभिभावक लोग मतलब हमर विद्यार्थी पढ़े गेल तो अभिभावक लोग घरे घरे ना बैठो ओकर भी जन चेतना के कार्यक्रम मतलब साथे साथे हमनी के लेके उपेंद्र सर में आम जनता के अभी कथन रहल बाटे परसा जिले या बारा जिले के बात कीले या समग्र रूप में बात कीले आम जनता के बात तो फिर आम जनता की आवाज भी रहल बाटे इस शिक्षक में सुधार करे खातिर शिक्षा में सुधार करे के खातिर जितना भी शिक्षक लोग बाटे ये अपना गांव घर में पढ़ावत अड़नी लोग और जितना पढ़ाई ना उतना राजनीति करत बहन लोग ये आम जनता की आवाज रहल बाटे। तो एगो गांव के शिक्षक जब एगो गांव के स्कूल में बानी तो ई गांव के शिक्षक दूसरा गांव में जाकर पढ़ाई दूसर गांव के शिक्षक तेसर गांव में जाकर पढ़ाई तेसर गांव के शिक्षक अपना गांव में आके पढ़ाई आम जनता जोरदार मांग कर रहा बाटे। उपेंद्र सर ए पर और ध्यान कैसे रही बहुत बढ़िया बात बा हमनी के निर्णय भी कर चुकल रहनी से पहले अब एक चरण के जो हमनी का दरबंदी मिलान कैनी सो वो में हमनी के प्रश्न लिखले रहनी
अपन गांव ठाव के टीचर अपन टोल के जो टोल में स्कूल बा कम से कम वो टोल हट जाएगा पर जी वार्ड ना हटल तो कम से कम टोल हट के दूसरा टोल में जाओ जी। टोल के राजनीति तो कम से कम वंचित हुई ओमे मतलब कोनो किसिम के राजनीति करे के मौका ना मिली। ये संदर्भ में हमने के बहुत सरुआ कली था 50 गो 60 गो टीचर के हमने के सरुआ कली था जगह जगह में पुगनी सा और वो में हमने के मुदा झेले के भी पड़ल मैंने उसे हमने के कोनो मतलब ना रहे मुदा झेलाते रहल अपन काम करते रहनी सा सुधार भी भइल बा और ई अपने लोगन के बात जोन बात सराहनीय बा जनता के भी मांग बा जोन बात सराहनीय बा और एकरा लेके हमने के फैन से अब हमने के जोन दरबंदी मिलान होकेला वो में हमने के वो कार्यविधि जोन हमने के बनल बा कानून जोन बनल बा शिक्षा जोन बनल बा ओकर तहत में हमने के शिक्षा के गुणस्तर के नहीं बढ़ी वो हरेक कानून के पहलू के हमने के अगाड़ी फॉलो करम सा और शिक्षा के गुणस्तर हमने के बढ़ाएं। उपेंद्र सर वहाँ से 2 दिन पहले वो घोषणा भी कैले बनी जो नेपाल सरकार द्वारा देवल गई विभिन्न जोन अपने के सेवा सुविधा बाटे उ सेवा सुविधा हम ना लेम कहकर वो घोषणा कैले बनी आखिर काहे ना लेम अभी हमें कथी देख लेनु प्राय सौ ई राजनीतिक जोन अथी रहे चुनावी राजनीतिक जोन लोग के होड़ रहे ई एगो गांव में 10 गो मेयर के जेकर जे वड़ा अध्यक्ष के बीच हो जेकर कार्य क्षमता ना हो सके वैसन वैसन लोग भी वड़ा अध्यक्ष में आ गए वैसन वैसन लोग भी नॉमिनेशन देखल मतलब एकदम मतलब कोनो किस्म के विजन नहीं के वैसन वैसन लोग भी मतलब एमे होड़ लगेला का तो उकर एक एक मुख्य कारण हमने कथी समझने की एमे कारण कथी बा इतना लोग सब लोग अपन खेती पाती व्यापार नौकरी सब त्याग करके बहुत लोग नौकरी त्याग करके राजनामा देके ये राजनीतिक पेशा में वार्ड अध्यक्ष में लड़ गए चुनाव भी हार गए देखी तो मैंने कहाँ तक ले पड़ गए हम हमारे पालिका में दो दो आदमी नौकरी सरकारी नौकरी जॉब छोड़ के और राजनीतिक में आज चुनाव भी हार गए तो एक पछाड़ी हमने का देखनी तो कथी देखनी की अब एगो वार्ड अध्यक्ष के मतलब सेवा सुविधा 25,000 से लेके 28,000 लगभग साइड बा जी हमने के 40,000-45,000 लगभग बा मेयर लोग के उपमेयर लोग के और वार्ड अध्यक्ष लोग के 30,000-30,000 सेवा सुविधा बा बाइक मिलता सवारी ईंधन मिलता तब ई सब इस विकृति हटावे ला पहले अपने से शुरुआत करे के पड़ी तो हम इस चीज की घोषणा कैनी और से बिहान आए वाला दिन में सब लोग कम से कम जब हम जनता के सेवक बनम तो कम से कम हमरा में भी कुछ अथी होके पड़ल ये लेके हम मतलब घोषणा कैली कि हम कोनो किस्म के सरकारी सुविधा जवन होकेला जवन हमनी के मंथली होकेला वो हम ना ले हमरा के मतलब हमरा आवे जाएला जवन बा सवारी साधन जवन मिलल बा ओकरे के यूज करके हमरा तो जाए के पड़ी हमरा तो अनुगमन करे के जाए के पड़ी तो हम पैदल तो ना जा सकम ये लेके तो हम के सवारी साधन के तो यूज हमनी के करेम मगर पैसा के यूज हमनी के ना करेम बाप दादा के हमनी के पुरखा पुरानिया के बाप दादा के हमनी के कोनो किस्म के अथी नहीं के बाप दादा के हमनी के पहले भी हमने के कोनो एकदम निचला भी तो ऐसे नहीं की ज्यादा बड़का भी तो ऐसे नहीं की सामान्य परिवार और 2 बीघा 4 बीघा जगह भी हमारा लग पर्याप्त बाटे पोखरी बाटे हमारा आमदनी भी बा हमारा 2 रुपया के पैसा के भी आमदनी बा हमार पहले से भी हमने के आर्थिक स्थिति ठीक ठीक रहल चीज बाटे हमने के बेरी अथी में भी नहीं की ये लेके हमने के जनता के पैसा ई सब पैसा हमने के त्यागम तो आए वाला मुखिया लोग भी छोड़ी आए वाला पीढ़ी के लोग मतलब सुधरी आए वाला पीढ़ी मतलब राजनीतिक पीढ़ी मतलब अच्छा रही कह के पैसा के हमने त्याग कर ले बनी हम अपन घोषणा कर ले बनी बाकी मुखिया लोग अपन घोषणा शायद 2-4 गो मुखिया लोग भी कर चुकल बा ऐसे मतलब मेयर साहब रउरा घोषणा कैला से रउरा पालिका में परिवर्तन हो सकता अब हमारा हमारा एगो तलब 45,000 के छोड़ला से परिवर्तन तो ना हुई मगर आए वाला दिन में राजनीतिक परिवर्तन हुई राजनीतिक परिवर्तन है पैसा के लोभ लालच में कोई चुनाव ना लड़ी कोई सरकारी नौकरी से राजनामा ना दी और ना ना एकरा पछाड़ी पैसा के लोभ में हमरा इतना मिली कह के हम मैंने साल के 10 लाख रुपया कमायम कह के 5 लाख कमायम कह के हम 10 लाख रुपया लगाते हैं तो हम 10 लाख रुपया निकली कह के वैसन किस्म के राजनीति जो विकृति बा उ सब हती जी। साथे साथे स्वास्थ्य में और ध्यान कैसे रही अब की बार स्वास्थ्य में 12 ही में अब दोसर जिला के बात ना करम 12 में हम सबसे अच्छा कहले रहनी काहे कि 12 में हमनी के 2-2 गो लैब संचालन कनी निशुल्क टाइफाइड बुखार काला ज्वर के भी हमनी का सीजनल जोन बुखार आवेला जब अभी बरसात के सीजन आ रहल बा सीजनल बुखार चली तो हमनी के नगर पालिका पूरे फ्री कर रहे इंजेक्शन 2-2 गो लैब संचालन जोन 2000 तक ले जोन लैब टेस्ट होकेला पूरा फ्री कैले बड़ी सालों भर से हमनी का हमनी के एम्बुलेंस कंठपांडू तक ले हमनी के नगर पालिका के जनता ला फ्री बाटे
स्वास्थ्य निगम कहनी शुल्क नहीं के एम्बुलेंस के कोनो शुल्क नहीं के अढ़ाई साल लगभग अढ़ाई साल अभी हो गए अढ़ाई तीन साल लगभग पौने तीन साल हो गए पौने तीन साल से लगभग कोनो शुल्क नहीं के काठमांडू तक ले हमनी के जनता के एम्बुलेंस पूरा फ्री जला ओकरा साथे साथे हमनी के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के बुला के लगभग एक साल से 15 दिन पर हमनी का फ्री चेकअप करवाइले सब हमनी के एमडी डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ से हमनी के महिला डॉक्टर से हमनी का गर्भवती महिला लोग के हमनी का निःशुल्क चेक जांच सब हमनी के कराइले सब स्वास्थ्य में हमनी के लगभग अब जोन जोन वार्ड में स्वास्थ्य किनारा है वहाँ भी हमनी का व्यवस्थापन कर चुकल बड़ी 11 वार्ड में हमनी के लगभग आज 14 गो स्वास्थ्य कार्यालय बा 14 गो स्वास्थ्य कार्यालय के स्थापना हो चुका 14 गो स्वास्थ्य कार्यालय में उपेंद्र सर एको गो बर्थिंग सेंटर राखल गेल बा कि ना हमनी के 4 गो बर्थिंग सेंटर बाटे महागढ़ में नगर पालिका में बढ़िया तरीका से बर्थिंग सेंटर जनता के काम में लागल अपने अपने के कलैया के बाद में महेगढ़ी में के नंबर बा बर्थिंग सेंटर के जोन मतलब बच्चा पैदा होके वाला क्रम जोन बा जोन कलैया के बाद में महागढ़ी में के ही अथी बा नंबर बा अभी देखिए गंज मणिपुर में हमने के व्यवस्थित बर्थिंग सेंटर बा बरियापुर में व्यवस्थित बर्थिंग सेंटर बा अपने के बबुआन में व्यवस्थित बर्थिंग सेंटर बाटे हमने के बबुआन में ओकरा बाद में पिपरा बिरता में बर्थिंग सेंटर व्यवस्थित बाटे भवन भी नया बन रहा बा पिपरा बिरता में हमने के कृषि में अब की बार और ध्यान कैसे रहे कृषि में हमने के अब पहले से जोन हमनी के काम अधूरा रह गल बा कृषि में जोन विद्युतीकरण बा हमनी के उहे अभी भी हमनी के एथी बा कि किसान के खेत खेत में हमनी के तार पोल के व्यवस्थापन करे के आ किसान के पूरे जितना सिंचाई में पैसा लागेला वो पूरे 1 रुपया ना लागो किसान के खेती पाती करे में जोन अभी के मॉल के जोन महंगाई बा तो कम से कम 1 कोरी से हमनी के पानी के एकदम निःशुल्क कर दू कहके हमनी के चाहना बा आ हरेक किसान किसान अपना खेत में निःशुल्क 1 रुपया ना लागे वैसन किस्म से मतलब पानी पटावे में वैसन किस्म के वातावरण वैसन किस्म के सुविधा हमनी का बना दे किसान ला और उन्नत जात के बीज बीजन जहाँ से भी लावे के पड़ी वैसन किस्म से बीज बीजन हमनी का हर एक साल बाटी ले सब पहले से भी शुरुआत 74 साल से बांटते आयल बही सब अभियो बटा रहा बा अब बाद में भी बाटे कह के हमारे पूरे अति चाहना बा और किसान लोग के विभिन्न जैसे हमनी के कृत्रिम खेती करेला हमनी के मतलब तालीम सब विशेष वैसन विज्ञ लोग के बोला के तालीम से करा के ठाव ठाव में तालीम कराम सब पैकेट एरिया बनावे के हमनी के कोशिश करम सब अब मकई के पैकेट में तो मकई मकई रोपाओ केनो धान के पैकेट होको केनो तरकारी के पैकेट होको वैसन किस्म से हमनी के खास करके देखा ले तो रुआ नगर पालिका में विशेष करके मकई के खेती और ऊखी के ऊख के खेती बेसी रहल बाटे ऊख के खेती तो अभी हमनी के नगर पालिका में बहुत कम हो गेल बा मगर मकई हमनी के नगर पालिका में अभी के अवस्था में मकई बहुत ज्यादा बा अभी बारा जिला में सबसे विशेष मकई हमनी के महागढ़ी में नगर पालिका के बा जोन मतलब एथी से भी बा डाटा से भी बा महागढ़ी में नगर पालिका डाटा बेस में भी हमनी के मतलब हमारा मतलब कम से कम 2000 बीघा से ज्यादा मकई रोपाला हमें जहाँ तक देखल है रौरा तो बेरोजगारी विभिन्न युवा लोग के खातिर भी रौरा ये भी घोषणा के लिए बनी जो हर घर में से एगो रोजगार हम देहम कह के अब की बार जी जी तो अब जी। की बार कुछ परिवर्तन फिर से दूसरका बार जौन रुआ परिवर्तन करे वाला बानी जौन हुई जौन एगो जनता के नजर में बहुत सराहनीय हुई अब की बार के परिवर्तन दे के जनता फिर भी अगला कदम राउर अच्छा मोकाम पर जाए के मौका फिर दे सकता टे आम जनता अब जहाँ तक देखल है बहुत लोग रौरा पालिका भर के बात करता नहीं नगर राउर जौन गढ़ महागढ़ी माई नगर पालिका बाटे महागढ़ी माई नगर पालिका में आम जनता के बात कही लाए बहुत लोग वहाँ गरीब घर से बने बहुत लोग के घरे खाए के ना रहला बहुत घर के लोग घरे के मने बहुत लोग गरीब बानी जेकरा पास दवाई करावे के पैसा ना रहला ऐसन विभिन्न जरिया वहाँ लोग के लगे रहला उ लोग के खातिर कैसन सुविधा रखले बानी रौरा देखिए अभी जैसे एक घर एक रोजगार के एगो सृजना तो सरकार कथी बा जोन मतलब निचला तबका बा सब खास करके जोन खास करके पशुपालन पर ध्यान देले बा ओकरा के निःशुल्क पशु मतलब हमनी के हस्तांतरण करब अभी खास करके अभी 500 परिवार के 500 घर में एक परिवार में हमनी के लोकल मुर्गी 10 गो मुर्गी हमनी का देता नहीं सब अभी ओकरा के मतलब जीव अर्जन करेला उ कथी विशेष कह के दलित परिवार के ये लोग के मतलब वो टाइप के मैंने विपन्न परिवार के दलित परिवार के 10 गो अभी हमने के एक परिवार में 10 गो मुर्गी
जौन मतलब पूरे प्रत्येक दिन एगो अंडा दे वाला हमनी के मुर्गी दे रहा बड़ी उ लोग के जे ओकरा ला स्वास्थ्य ला भी ठीक रही पोषण ला भी ठीक रही ओकरा अपने खुद के अभियान बेला ओकरा अपने ही पालन से मतलब अभियान बेला कुछ सीखो कुछ करो के ओकरा क्षमता हो एगो पाली पांच गो पाली दस गो पाली तब अभियान ओकरा जिज्ञासा हुई कि हम 100 गो पालू हम 200 पालू एकरा के हम व्यापार बनाऊ तो पहले सीखे के क्रम में ओकरा के हमनी के वितरण कर रहा बैठे ठाव ठाव में ठाव ठाव में हमनी के बकरी वितरण कर रहा बैठ हमनी के ठाव ठाव में भैंसी भी वितरण कर ले बनी सब तो अभी पैकेज हमनी के बना रहा बड़ी की एगो वार्ड में कोनो वार्ड के हमनी के दूध के पैकेट बनावे के बा रोजगार सृजन की नहीं करे के बा तो हम 100 गो के नौ भैंसी हम वितरण करो तनी 1 करोड़ रुपया के तो हमनी के डेयरी के व्यवस्थापन करे के पड़ल ओता मतलब बाजार व्यवस्थापन करे पड़ल मतलब वो टाइप के प्लानिंग बा हमनी के अगर 100 गो युवा के हमनी के मतलब रोजगार दे रहा बड़ी सब भैंसी पालन कर देते गाय पालन करता समय के पालन अगर करे के चाहता 20 गो 10 गो युवा लोग कहूँ अगर सना उद्योग अगर खोले के चाहता तो हमनी के नगर पालिका ओकरा के 70-75% 80% तक ले अनुदान रकम देम सर ओकर लागत के ओकरा लागत के वो भी प्लानिंग हो रहा बा हमनी के ओकरा के ला हमनी के संघ सरकार के प्रदेश सरकार से के हमनी के अपन प्रपोजल बनाए सर कि हमनी के प्रपोजल में इतना युवा लोग के रोजगार देवे के बाद हमी लोग इतना बजट छुटिया ले बनी सर अपने लोगों ने में कितना कर सकिले कहके वैसन टाइप के हमनी के प्लानिंग बा और अब की बार देखल है तो 12 जिला के बात कर ले समग्र 12 जिला में जितना भी पालिका बाटे सबसे बेस्ट अब की बार महागढ़ी माई नगर पालिका बनी हर तरीका से परिवर्तन अब की महागढ़ी माई नगर पालिका में हुई अभिन तक देखल सर उपेंद्र सर इतना मेयर लोग से हमारा भी अंतर्वार्ता भई लगभग लेकिन अभिन तक के दौरान में कोई मेयर साहब ना कहले बनी जे हर घर में एगो रोजगार देम कह के रउरा एगो बहुत गर्व के बात कह रहा बानी जे हर घर में एगो रोजगार देम कह के अब की बार परिवर्तन सबसे बड़का तो रोजगार बटे सर और रोजगारी अवसर जब रुआ देत बानी परसा जिला के बहुत मेयर लोग से बात कैल गई 12 जिला के बहुत मेयर लोग से बात कैल गई रोजगारी में खास कोनो भूमिका ना देखे के मिलल लेकिन एकल रुआ के देखल उपेंद्र सर रउरा एगो रोजगारी में जोन भूमिका देखावत बानी आम जनता के प्रति जोन भूमिका देखावत बानी जनता देखल है महागढ़ी माई नगर पालिका में सराहनीय कदम उठेले बा रउरा बात से और जनता के हिसाब से लागत बाटे नहीं तो दूसरा मेरी जनता हर जगह परिवर्तन के लिए बाटे रउरा के दोबारा मौका दे ले बा देखिए एक बेर में केहू लोग 100% के रोजगार ना दे सकेला मगर ये चैनल बा ये सिस्टम बा अगर चैनल के फ्लो करल जाए नेटवर्किंग जैसन बा जैसे अपने के हम कहनी है कि 100 घर के हमने के रोजगार दें और 100 घर से कमिटमेंट करवाएं सब उस 100 घर के रोजगार हम 1 लाख रुपया एगो घर में दे रहा बड़ी कोनो रोजगार कर रहा तो ओकर बापत में हमने के कुछ ओकरा से लेम आए वाला दिन में मतलब ओकरा से दूसरा के हेल्प लेम सब जैसे हम ये कोनो चीज दे रहा बड़ी अब जैसे बकरी दे रहा बड़ी अगर बकरी दे रहा बड़ी ओकरा से 4 गो बकरी अगर बियान बेला ओकरा से बिया रहा बा ओकरा में से एगो बच्चा दे रहा बड़ी तो फिर दूसरा के रोजगार हो सकेला वो टाइप के प्लानिंग बा हमनी के चैनल बा कि हरेक घर में रोजगार दे देवे के बा हरेक घर में हमनी के अति करे के बा सना उद्योग खोलवावे के बा तो सना उद्योग से हमनी के वो युवा लोग के जितना भी आमदनी हुई वो में से 10% अगर जमा करी हमनी के अलग 10% जमा करी तो आए वाला दिन के फिर दूसरे युवा लोग के रोजगार हो ये लेके हमनी के महागढ़ी में ही नगर पालिका आए वाला दिन के आर्थिक नगर पालिका बन जाये आर्थिक के हब बन जाये और सब लोग समृद्ध बन जाये वहाँ कोनो किस्म के चोरी लब रही कोनो किस्म के युवा बेरोजगार ना रही आए वाला दिन के नगर पालिका हमनी के एकदम मतलब समझी ना कि शांतमय नगर पालिका सुंदर नगर पालिका और टाइप के वही क्या खाएला हो जाये ना खाएला पेट में हो जाये तो अपने के साफ सफाई पर ध्यान हुई पर्यावरण पर ध्यान हुई सब पर ध्यान हुई खाए पर मतलब अपने के खाएला ना पुगी तो अपने ला मतलब कोनो पर्यावरण साफ सफाई चाहे कोनो चीज पर ध्यान ना रहे लेके सर कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बानी सर कार्यक्रम के अंत में लास्ट एगो प्रश्न बाटे सर जौन गढ़ी माई मंदिर के लगे जौन एगो पोखरा देखल होला उ पोखरा में बढ़िया पानी या कोनो तरीका से देखल है तो वहाँ सर सफाई के बढ़िया तरीका से व्यवस्था नहीं की कल गई सर ओमे पानी के मतलब व्यवस्था बढ़िया बा अब वो निर्माण के काम में वो पानी सुखावल गए रहे और पोखरी की एक ही को बात बा कि वो पोखरी में ऐसा बा पोखरी सुखाएं चाहे मतलब पानी भरे तो पोखरी के अंदर
ऐसन मतलब वनस्पति बा कि अपने के सूखा करम तभी भी ना वनस्पति मरी और पानी भी राखम तभी वनस्पति ना मरी। वनस्पति ऐसन वनस्पति बा ऐसन मने बोट बिरुआ भीतर में मतलब वो में जोन बा मतलब कबो भी ऐसन किस्म के ना रहेला। वो में वनस्पति रहे वाला पोखरी बा दलदल टिप टाइप के बा और वो में से निकले क्या कोनो किस्म के नष्ट ना हो। अपने दवाई छिटम 6 महीना ले नष्ट रही, अपने ओकरा के साफ सफाई करम 6 महीना ले नष्ट रही। तो अभी निर्माण के काम शुरू बाटे, अभी तुरंत हम मतलब वहाँ बोल देल बनी ओकरा के साफ सफाई करके पानी हाल देवे के पूरा पैकिंग निर्माण के काम शुरू। कार्यक्रम का अंत अंत में आ चुकल बानी, कार्यक्रम का अंत अंत में रुआ से ये रिक्वेस्ट करें जौन गढ़ी माई नगर जौन गढ़ी माई के मंदिर पर जौन राजनीतिक होत बाटे ओकरा के सुधार करे के प्रयास करी लगन। ओमे अनेकन देश से लोग आवेला, अनेकन गांव ठाव से लोग आवेला। पंचवर्षीय मेला में बहुत अथाह लोग पुगे नी, पुगला के बाद में आम जनता के रहे के बढ़िया तरीके से व्यवस्था ना कैल गई रहेला वहाँ। लेकिन अभी की बार कुछ परिवर्तन हो को और गढ़ी माई के नाम पर भी ऐसन तरीके का परिवर्तन हो को जबकि बार कहीं से लोग आवे तो देखे तो अगर जनता कहें जे हाँ वास्तव में उपेंद्र यादव जी के कार्यकाल में अब की बढ़िया तरीका के व्यवस्थापन भइल बा कह के विपक्षी लोग के काम बा राजनीति करे के, लेकिन रउआ तो सही कदम पर चली गढ़ी माई के मंदिर के नाम पर। एकदम 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 वो सब भेल रहे पहले गत मेला में भेल रहे राजनीतिक होते हुए लड़ाई होते हुए गढ़ी माई पंचवर्षीय मेला एकदम सुशांत लगा दे रही से कोनो किसिम के हाथ पाथ कोनो किसिम के मानवीय क्षति ना भेल और सुशांत मेला हमनी के बिता देनी छ। अब की बार भी हमनी के मेला के ओसे सभ्य और भव्य बनावे के और मंदिर के व्यवस्थापन अच्छा करे के खातिर और भक्तजन के उतना सहज हिसाब से दर्शन और संसद लेके वहाँ के वातावरण साफ सफाई से लेके हर एक चीज की अनुभूति दिलावे खातिर हम एकदम तत्पर बानी और आए वाला दिन में गढ़ी माई के व्यवस्थापन अच्छा से हुई कह के प्रतिबद्धता हम करेंगे। धन्यवाद सर, रुवा से छूटे के समय देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और कार्यक्रम का अंत अंत में संपूर्ण अपन पालिका के वासी से रुवा का कहे के चाहे। सर्वप्रथम अब हमर अपने के एफएम के संपूर्ण टीम के हमारा तरफ से धन्यवाद भाई कि हमर बात कर हो रही अपने लोगन हमनी के जनता बारा जिला परिषद और दौर लगाए अपने के एफएम से जहाँ तक ले जनता सुने थे सब लोग के हमारा तरफ से धन्यवाद बा। और ये अब हमनी के अब ये बारिश के मौसम भी अब आ गई और साथे साथे ये नया स्थानीय तह के चुनाव भइल ह, एमे बहुते दल लोग लगलक जीत गेल ओकरा के माने के पड़ल, हार गेल ओकर हारल स्वीकार अपन करे के पड़ल और गांव गांव में देख रहल बड़ी अभी ताजा ताजा चुनाव भइल बा, ताजा ताजा सब लोग आक्रोश में बा, आक्रोश खत्म करे के पड़ल। अच्छा हम कर्म रहे कैली तो चुनाव जीतनी ये समझे के पड़ल, आ हम कर्म अपना ना कर सकली तो हम चुनाव हार गेनी ये स्वीकार करे पड़ल, मनन करे पड़ल, भाईचारा मिल रहे के पड़ल, अच्छा से अपन गाँव समाज के मतलब प्रगति हो को कह के एकदम कान में कान मिला के गेट में गेट मिला के सब विपक्षी बेंच के लोग के हमारा साथे भी चुनाव जितना लड़ रहे लोग चुनाव हारल लोग उन लोग के भी हम अनुरोध करे के चाहे कि हमनी के सब लोग एक भाई रही सब परिवार रही सब परिवार के भीतर लड़ाई होकेला, परिवार के भीतर लड़ाई होकेला, अंश बंडा के भी लड़ाई होकेला, भाई भाई में भी लड़ाई होकेला, ये चलते हमनी में कोनो किस्म के आपस में हमनी के ना करल जाओ। अगर हम गलत करे तो कम तो आवाज उठावे के पड़ल, अगर हम अच्छा कर रहा बड़ी तो हमारा के सघावे के पड़ल, ये हम सब लोग में अनुरोध करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। आदरणीय श्रोता हमनी के साथ में आज रही है महागढ़ी माई नगर पालिका बारा जिला के मेयर उपेंद्र यादव जी, वहाँ के विभिन्न विषय वस्तु पर बात करनी है, कृषि शिक्षा स्वास्थ्य और आम युवा के बेरोजगारी के रोजगार अवसर देवे के विभिन्न बात वहाँ के बतेनी है। जहाँ तक आम जनता के जौन मांग बाटे, आम जनता के जौन चाहना बाटे, वो मांग के भी पूरा करे के वहाँ के बतेनी है। बीतल समय में जौन परसा जिला के कुछ मेयर साहब लोग के बात की ले, कुछ वाडा अध्यक्ष जी लोग के बात की ले, कुछ लोग डरात बानी जौन एगो शिक्षक लोग के बात शिक्षक लोग के ऊपर जौन एगो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होकर बाटे आम जनता के तरफ से, जो अपना गांव घर के शिक्षक लोग अपना गांव घर में काहे पढ़ाएं, इस शिक्षक लोग के सरुआ के लिए से जरूरी बाटे, न तो अपना गांव घर के शिक्षक लोग अपना गांव घर में रह के पढ़ावत बने तो वहाँ जितना पढ़ाई ना उसे बेसी राजनीतिक होगत बाटे। लेकिन उपेंद्र यादव जी बतेनी है जहाँ हमारा कई गो मुद्दा भी लड़े के पड़ल का, लेकिन हम शिक्षक लोग के परिवर्तन के लिए बने और करें, कम से कम परसा जिला में भी होखो रिलेशन पर पहुनई तो अपना जगह पर बाटे और रिलेशन के चलते और पर पहुनई के चलते शिक्षा के राजनीति के आंकड़ा ना बनावे के पड़े। आदरणीय श्रोता निर्धारित समय पर ध्यान देते कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तुत था, विशाल यादव भी छूटे के चाहे
कार्यक्रम सुन के साधनी के खातर बहुत बहुत धन्यवाद देते, साथ में टेक सपोर्ट करके साधनी सानू जी वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रौरा लोगिन से छूटे के चाहे सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार, प्रणाम।